नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन, जो क्रांतियां हुई हैं खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जितने भी भारत में क्रांतियां हुई उस सभी क्रांतियों को पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रीन वाइट रिवॉल्यूशन ये सब हुआ है और ये अक्सर हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही निवेदन आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो रिवॉल्यूशन है राउंड रिवॉल्यूशन यानी गोल रिवॉल्यूशन, इसको ये रिलेटेड है पोटैटो प्रोडक्शन से। अगला जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला है ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है और मछली उत्पादन में क्षेत्र में बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगला है व्हाइट रिवॉल्यूशन सबको पता है, डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये ऑयल सीड जो तेल निकालने वाले बीज होते हैं वो इससे रिलेटेड है। जैसे सडन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल ड्यू टू प्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड सीसम इटीसी। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल होता है, सीसम का तेल होता है, ये एडिबल खाने योग्य जो तेल होते हैं उसके रिवॉल्यूशन इससे रिलेटेड है ये। अगला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये काफ़ी फेमस है ग्रीन रिवॉल्यूशन और ये जो मेनली था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट इसमें क्या है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ज़्यादातर इसमें फोकस किया गया था और इसमें प्रमुख है गेहूं, जो कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत आय तो उपज हुई थी 1960s के आसपास ये हुआ था। अगला है ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे फर्टिलाइजर यानी खाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन, जो कि लेदर और कोकोवा से रिलेटेड है। अगला जो है देखिए गोल्डन फाइबर जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है और गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया जूट को बोला जाता है। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग जूट। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ ओवरऑल हॉर्टिकल्चर यानी फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए एक ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने बताया, अब ये एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन है। एवर ग्रीन मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो उसको सम्मिलित रूप से पूरा किया गया और इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि कम जमीन में ज़्यादा उपज और कम पेस्टिसाइड का उपयोग हो, कम वाटर का उपयोग हो, ये ग्रीन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज किया गया। अगला जो है पिंक रिवॉल्यूशन जो बेसिकली है मीट प्रोडक्शन, ऑनियन प्रोडक्शन, प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रॉन एक छोटी मछली होती है जो समुद्री इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ मीट है, मीट और टोमेटो प्रोडक्शन। देखिए सिल्वर फाइबर आ गया है नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर जो कॉटन से प्रोडक्शन है, एक मैंने अभी बताया था आपको जो जूट प्रोडक्शन से ये गोल्डन फाइबर था और यहाँ पे ये सिल्वर फाइबर है। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड बीटिंग USA, ठीक है। देखिए ओवरऑल ये मैंने पूरा प्रोडक्शन जो जितने तरह के ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, जितने रिवॉल्यूशन थे भारत में सबको मैंने एक दे दिया है यहाँ पे। इस PDF को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट mathsforssc.com पर जा करके, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Thank you. Thanks for watching.